गंगा आपकी कठौती में भी आ सकती है। इसलिए कोरोना से जंग लड़िए, सेफ रहिए, घरों में रहिए, बहुत सारा काम करिए, ऑफिस का घर का सारा काम घरों से करिए और परिवार के साथ बहुत मौज मस्ती करिए, खूब मजे करिए और कोरोना का बाय बाय कर दीजिए। काढ़ा पीजिए, इम्यूनिटी बढ़ाइए और योगासन करिए और परिवार के साथ आप खुश रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी तो वैसे ही बढ़ जाएगी। बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं देश में कोरोना के आने के बाद। विकास दुबे कांड हुआ, सुशांत की हत्या, मर्डर या उसका सुसाइड जो भी हुआ, कोरोना बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं को भी हुआ और उसकी खबरें फैली। राम जी के नाम पर भी बहुत सारी बातें हुई कि उनके मंदिर मस्जिद तोड़े जा रहे हैं, धर्म के नाम पर भी चर्चाएं हुई। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर हमें मोदी जी पर विश्वास है, हमारे योगी जी पर विश्वास है, हमारे श्री राम पर विश्वास है तो कुछ भी टेंशन करने की जरूरत ही नहीं, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। अरे हम कौन होते हैं श्री राम को मंदिर देने वाले, वो तो दाता है, उसने तो हमें सब कुछ दिया है। श्री राम को मंदिर हम देने वाले कौन, वो तो अपना मंदिर खुद बनाएगा और इतना भव्य बनाएगा कि दुनिया देखेगी। मस्जिद, मंदिर, राम, इसके नाम पर लड़ना छोड़ दीजिए, देश और विदेश सबकी चिंताएं करना छोड़ दीजिए। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी चिंता करना, अपने स्वास्थ्य की चिंता करना, कोरोना से दूर रहने की कोशिश करना, अपनी इकोनॉमिक हालत को सुधारना, देश पर रहम करना, देश की आर्थिक उन्नति के लिए प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी का सहारा बनना, उनकी बातें मानना और बाकी चीजों पर कान बंद ही कर ले तो ज्यादा अच्छा है। सबसे बड़ी बात तो धर्म के नाम पर बिल्कुल बंद कर लीजिए, क्योंकि हमारे श्री राम में इतनी शक्ति है कि राम से तू आज भी ऊपर स्पेस से दिखाई देता है। जी हाँ, ऊपर आकाश से दिखाई देता है श्री राम सेतु। जब उस जमाने में श्री राम ने इतना बड़ा सेतु समुद्र में बना लिया, गंगा में अर्षद जी की जटाओं से उतर आए, तो हमें उनके लिए चिंता करने की क्या जरूरत है। चिंता कीजिए अपने देशवासियों के लिए, चिंता कीजिए अपने देश के लिए, चिंता कीजिए अपनी एकता के लिए, चिंता कीजिए अपनी आस्था के लिए, चिंता कीजिए अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपने अपनों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, बस इतना ही बहुत है। सबसे ज्यादा जरूरी है खुश रहना, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मैंने कोरोना में बहुत अपनों को खोया है, ऐसे लोगों को खोया जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसके बाद मुझे पता लगा कि जिंदगी की कितनी बड़ी कीमत है, हमारी हर सांस की कितनी बड़ी कीमत है। हम जो हर सांस अभी फ्री में ले रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लगाने के हजारों लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, जो हमें फ्री में मिल रहा है, जिसकी हमने कदर नहीं की। पेड़ पौधे लगाइए, हमारे श्रोमणी अकाली दल, हमारी बीवी रंजीत कौर जी पौधारोपण प्रोग्राम कर रहे हैं और हम सारी लेडीज, हमारा लेडीज विंग पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में जगह जगह पेड़ लगाएंगे वायु के लिए, सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए, क्योंकि अब हमें पता लगा है कि पर्यावरण और ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, पेड़ पौधे हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है, हमारी जिंदगी कितनी ज्यादा कीमती है, उसको सुधारने के लिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देकर जाएंगे। जीवन तो देकर जाए ना, कम से कम धर्म, जात पात, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा बस बहुत हो चुका, अब आपस में एकता दिखाइए। हमने चीन के साथ भी भाई भाई के रिश्ते लगाए, खूब नारे लगाए, हिंदू चीनी भाई भाई। जब हम परायों को अपना बना सकते हैं तो अपनों को क्यों नहीं एक बार बनाकर तो देखिए, एकजुट होकर तो देखिए, हर चीज की कीमत को पहचान कर तो देखिए, पेड़ पौधों की कीमत पहचान कर तो देखिए, इस हवा की, अपने की, अपने परिवार की कीमत एक बार पहचान कर तो देखिए, आपको पता लगेगा कि आपके जीवन कितना कीमती है। उनसे पूछिए जिनके पांव नहीं, आप दो पांव पर चल सकते हैं, उनसे पूछिए जिनके हाथ नहीं, उनसे पूछिए जिनकी आंख नहीं, उनको कैसा लगता है, वो जीवन को कैसे बिताते हैं। आपके पास जो है उसकी कीमत पहचानिए, उसकी कदर करना सीखिए।
और जब आपको जीवन मिला है, सांस मिली है, उसके बाद आप सारी चीजें छोड़कर देश के लिए कुछ तो करके जाइए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। क्या फायदा इस जीवन का, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, हम धरती पर किस लिए आए? कुछ तो मकसद होगा ना हमारे आने का, भगवान ने कुछ तो कहकर हम भेजा होगा। खुशियां भी फैला दीजिए, जीवन को इतना खुशनुमा बना दीजिए कि आपके आस पास खुशियां फैल जाए, सब आपको देखे और कहे हाँ जिंदगी इसे कहते हैं, जीवन इसे कहते हैं। जो मिला है उसकी कदर कीजिए, जो नहीं मिला उसके लिए बिल्कुल आंसू मत बहाइए। अपने से नीचे देखेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और खुश रहना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जीवन सबसे बड़ी नियामत है। अब कोरोना ने हमें सबसे बड़ी ये सीख दी है। भारत की ये बेटी आपसे वादा चाहती है कि आप बेफालतू में किसी चीज के लिए नहीं लड़ेंगे, अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा विश्वास रखेंगे, वो हमारे देश का, हमारा सबका ख्याल रख रहे हैं, बस हमें उनका साथ देना है, आगे बढ़ना है, देश को आगे बढ़ाना है, खुश रहना है, खुशियां बांटनी है, खूब सारे पेड़ लगाइए, खूब खुश रहिए, अपने परिवार के साथ जीवन बिताइए, किसी भी चीज की कीमत को कम मत आंकिए, सब चीजों का उपयोग करना सीखिए, रिसाइकल रीयूज करना चीज सीखिए। ये चीज मैंने सीखी है जहानियों से, तो पानी को ऐसे स्टोर करते हैं, थोड़े से पानी से पहले अच्छे से वॉश करके अपना नहा लेते हैं, और फिर ऐसे पानी में वो लोग गिर करके बैठ जाते हैं, नहाते हैं पूरा परिवार नहा लेता है, उसके बाद ये 3-4 दिन जब तक ये पानी यूज होता है नहाने में, उसके बाद इसी पानी से कपड़े धुलते हैं, तो पानी में काम आता है, पेड़ पौधों को दिया जाता है। इतना सभी चीज वेस्ट नहीं करनी है हमें, हर चीज को रीयूज रिसाइकल करना है, क्योंकि अब हमें कीमत पता चल गई है हमारी प्रकृति की, हमारे वायुमंडल की, हमारे आस पास के वातावरण की, सब चीजों की। अब बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो आज बहुत काम कर रही हूँ, बहुत सारा काम कर रही हूँ, और पतंजलि का योग शिविर भी ऑनलाइन ज्वाइन किया है, और उसके एग्जाम्स भी दे रही हूँ, जबकि मैं योग